राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यानी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की उपस्थिति में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर आधारित नाटक के मुख्य गीत को लॉन्च किया गया। इस अवसर पर भारत की प्रसिद्ध संगीत मंडली इंडियन ओशन भी उपस्थित रही, जिन्होंने इस मुख्य गीत को तैयार किया है। कार्यक्रम में बोलते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस नाटक के माध्यम से बाबा साहब को कला और संगीत के जरिए श्रद्धांजलि अर्पित किए जाने की दिल्ली सरकार का यह प्रयास है। जैसा कि आप जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही अनाउंस कर चुके हैं इस बारे में कि दिल्ली सरकार बाबा साहब के जीवन पर, उनकी सीख पर, उनके काम पर, और हम आज जहां भी हैं, पूरा देश आज जिस तरह से तरक्की कर रहा है उसमें बाबा साहब के योगदान पर एक बहुत बेहतरीन और एक बहुत बड़ा प्ले आयोजित करने जा रही है। और ये प्ले एक तरफ हमारी तरफ से, हम सबकी तरफ से, पूरे देश की तरफ से आज़ादी के 75वें वर्ष में बाबा साहब के प्रति एक कृतज्ञता प्रकट करने का तरीका भी है, लेकिन साथ साथ हम ये भी मान के चल रहे हैं कि आज़ादी के 75वें साल में बहुत आनंद मनाते हुए, बहुत जॉय के साथ, बहुत आनंद के साथ में हम सब लोग बाबा साहब को याद करें। बाबा साहब ने जो कंट्रीब्यूशन दिया उसको बहुत आनंद के साथ, उत्सव के साथ देखें आज़ादी के 75वें वर्ष में, और उस उत्सव में, उस आनंद में हमारे अंदर एक संकल्प पैदा होगा। वो काम बड़ा है, देश में इतने बड़े प्ले कभी नहीं हुए जिस तरह का प्ले अभी आयोजित होने जा रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज में ब्रॉडवेज के नाम से या इसी तरह के कुछ और नाम से बहुत बड़े बड़े प्ले करने की परंपरा रही है, और उन्होंने बहुत अच्छे से, वहाँ की सरकारों ने ये सुनिश्चित किया है कि अपने अपने देशों के, अपने अपने समाज के फाउंडर्स को, उसको दिशा दिलाने वाले लोगों को खूब याद किया है उन्होंने उस तरह के बड़े बड़े नाटकों के जरिए। हमारे देश में उस तरह की परंपरा शुरू नहीं हुई थी। अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी सरकार इस परंपरा को शुरू कर रही है कि बाबा साहब जो आज हमारे भारत के, आज के हमारे भारत के निर्माता हैं, हमारे आधुनिक भारत की नींव रखने वाले व्यक्तित्व हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए एक ऐसा शानदार प्ले किया जाए कि लोग बाबा साहब को महसूस कर सकें, 75वें वर्ष में उनको महसूस कर सकें और फील कर सकें कि आज जिस जॉय में हम हैं, आज जिस आनंद में, जिस आज़ादी के उत्सव में हम हैं, उसके लिए किसी ने कितने कष्ट उठाए थे और किन कष्टों के बीच से आज के भारत का निर्माण हुआ है, लेकिन म्यूजिक के जरिए, आर्ट के जरिए, थिएटर के जरिए। और ये पहला प्रयास है, बहुत बड़ा शो है। मैं देश के लोगों को, तमाम कला प्रेमियों को और बाबा साहब के प्रेमियों को, सबको कहता हूँ कि अगले महीने से जब ये प्ले शुरू होगा तो दिल्ली की टिकट बुक करा के रखिएगा। प्ले फ्री रहेगा, प्ले की टिकट नहीं होगी, लेकिन दिल्ली आने के लिए तो टिकट बुक करा के रखिएगा, क्योंकि हो सकता है उस वक्त दिल्ली के लिए टिकट ना मिले। उस प्ले में क्या होगा, कैसे होगा, वो कितना आर्टिस्टिक होगा और किस तरह से एक बहुत बड़े स्क्रीन पर पहली बार देश के एक बहुत बड़े व्यक्तित्व को उतारा जाएगा, उसकी एक झलक आज हम पेश कर रहे हैं। आज उसका एक सॉन्ग इंडियन ओशन के द्वारा तैयार किया गया, यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं, और उस सॉन्ग से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी तैयारी दिल्ली सरकार कितने भव्य तरीके से कर रही है और ये पूरा का पूरा प्ले कितना भव्य होने जा रहा है। देखिए 8 बजे रात्रि, 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए।
24वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।